आप सब लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपका अपना चैनल स्मार्ट कोचिंग नरवर पर आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं का, 8वीं का, 9वीं का मैथ। तो यहाँ पे आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का मैथ। कक्षा 8वीं का मैथ, कौन सी क्लास का? 8 का। दोस्तों यहाँ 8वीं का जो गणित है वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अपना ये चल रहा है 2.1 यानी कि 2.1, प्रश्नावली 2.1। तो यदि आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपन टाइम बर्बाद ना करते हुए आइए चलते हैं सीधा 2.1 के सवाल हल करने की तरफ, जिसमें कि अपन को एक चर वाले रैखिक समीकरण हल को करना है। तो अपन सीधा यहाँ पे देख लेंगे सातवां सवाल। देखिए यहाँ पे जो सातवां सवाल है आपका वो है 2x/3 बराबर 18। आठवां सवाल है 1.6 बराबर 2/1.5। ये बाय बना है दोस्तों, बाय y, और ये 7x-9 बराबर 16। जैसे कि इस चैप्टर में अपन हल कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर का मतलब दोस्तों चर राशि, मतलब a से लेकर के z तक का कोई भी चर राशि। तो इसमें कोई भी x, y, z या a, b, c, d कुछ भी 26 लेटर्स में से एक आएगा, मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो जी इससे अपन सीधा हल करते हैं। देखिए इसमें क्या करना होगा, जैसे कि मैं कल के लेक्चर में समझाया था, यदि आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था कि जो संख्या इसके बटे में दी होती है वो पक्षांतर करने पर उस साइड जाने पर भाग में भाग वाली संख्या गुणा में चली जाती है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे हल। तो जैसे अपन हल लिखेंगे और यहाँ पे क्या इसको हल करेंगे, तो अपन को पहले सवाल लिखना है, तो अपन ने जो है लिख लिया। इसके बाद इसको इस साइड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर दोस्तों क्या होता है, इसमें प्लस वाली संख्या बराबर के उस साइड ले जाने पर माइनस टू हो जाती है, और माइनस वाली प्लस, और जो भाग में भी होती है वो गुणा में हो जाती है, और जो गुणा में भी होती है वो भाग में हो जाती है। इसका इतना सा बेसिक रूल है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन 2x/8 इसको इस साइड ले जाएंगे तो गुणा में पहुंच जाएगा, तो 38 × 3। तो यहाँ पे 2x/24, तो यहाँ पे x बराबर, अब x के साथ अचैट है मतलब ये गुणा में है, तो ये इधर जाके किस में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये संख्या 2x का मतलब है दोस्तों 2×x, तब होगा 2x, है ना? तो जी बिल्कुल। तो इसी तरह ये भाग में है तो इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, ठीक है? तो x बराबर 2×2 से भाग कर देंगे और 2×4, तो x का मान यहाँ पे अपना जो है 12 निकल के आ जाएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों? अब इसके बाद अपन जो है कि यदि आपको फिर भी समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि ये भाग में है तो इधर जाके गुणा में पहुंच गया, और ये यहाँ पे जो गुणा में है तो इधर जाके भाग में चला गया, और जो कटा बच, तो यहाँ पे इससे 2 से डिवाइड कर दिया 24 को, तो 12 बच गया। तो यहाँ पे हमारी जो चर राशि का जो मान है, जो x की जो वैल्यू है, x का जो मान है वो 12 आ गया। चाहे दोस्तों आप किसी भी बोर्ड से हो, NCERT बेस्ड मैथ है, ऑल इंडिया में चलता है, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड, राजस्थान और अदर स्टेट, किसी भी स्टेट में, बांग्ला, सभी में ही चलेगा। अब देखिए अपन आते हैं 8वें सवाल की तरफ। दोस्तों इसमें अपन को दिया है 1.6 बराबर 2/1.5। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अपन इससे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1.5/1.6, यानी कि जो चर राशि है उसको एक साइड कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे अब अपन लिखेंगे पक्षांतर करने पर, इसका और इसका एक ही मतलब है दोस्तों, इसको इस बराबर के पूरे को इस साइड लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया, मतलब
दोस्तों इस पूरे पक्ष को इस साइड लिखेंगे, इस पूरे पक्ष को इस साइड, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसका सेम यही मतलब होगा। तो अब हम आप इसको यहाँ से हल करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हल। यहाँ पे हल लिखने के बाद अपन को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपन लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर पक्षांतर करने पर, तो यहाँ पे पक्षांतर का मतलब किसी संख्या को बराबर के इस साइड से उस साइड ले जाना या उस साइड से इस साइड लाना, ठीक है। तो यहाँ पे बाय बराबर हो जाएगा दोस्तों, बाय बराबर 1.6, जैसे कि बाय के बटी में दिया है मतलब भाग में, तो भाग का उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 1.5। जी तो अब क्या करेंगे, वाई बराबर 1.6 और 1.5 का अपन गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा अपना, देखिए 1.6 और 1.5 का अपन गुणा करेंगे तो अपना जो है आंसर निकल के आया है 1.6 × 1.5। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे, 30 का 0 3 5 3 8 गुणा 6 1, तो इस तरीके से यहाँ पे 0 8 5 13 1 14 का 4 8 1, एक और एक हासिल का 200 और एक अंक और एक अंक, तो यहाँ पे जो है 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4। चलिए अपन इसका आंसर चेकआउट कर लेते हैं, मैथ में कितना आ रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 8वां सवाल 2.1 का, जी बिल्कुल। तो देखिए आपके आंखों के सामने ही अपन इसका जो है आंसर चेकआउट कर ले रहे हैं। तो जो है कि इसमें 2.1, जी बिल्कुल जल्दी से कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। का 8वां सवाल देखिए, इसका आंसर 2.4 आ रहा है, तो इसका मतलब भी यही निकलेगा दोस्तों, 2.4 के बाद 0 है, तो इसका मतलब कोई वो नहीं है, तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 2.40, क्योंकि एक अंक और एक अंक 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो इसको इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं, y बराबर 2.4, क्योंकि दशमलव के एक अंक तक लिख देंगे तो चल जाएगा, यहाँ से 2.40 है इसका आंसर, लेकिन अपन यहाँ से अगर 0 को भी नहीं लिखते हैं तो भी चल जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2.4, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लिखो या ना लिखो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक तक ही इसमें जो है थोड़ा सा मायने रखता है। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट सवाल की चलते हैं, सवाल नंबर 9। जैसे कि यहाँ पे 7x − 9 = 16, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं समझाया हूँ बिल्कुल इसी तरह इसको करना है, इसका क्या कर देंगे अपन हल, पक्षांतर कर देंगे, 7x − 9 = 16, तो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर क्या होगा कि 7x = 16, पक्षांतर करने पर इस 9 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निशान जो है चेंज हो जाते हैं, इसका नियम है। तो 7x = 16 और 9 को अपन जोड़ देंगे, जोड़ का निशान है, तो कितना होगा, 16 और 4 20 और 5 25, तो यहाँ पे 25। अब एक्स की वैल्यू याद करना है तो x = 25, इसकी 7x का मतलब है दोस्तों इसके गुणा में दिया है, तो इसकी क्या में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा, तो ये इसका जो वैल्यू आ जाएगी x = 25/7। तो इस तरीके से आपको इस चरवाल रैखिक समीकरण को हल करना है,
यहाँ पे। यदि आपको कुछ दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपके लिए और भी ज्यादा लाता रहूंगा। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।